फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है लोहड़ी, आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और मैं जा रही हूँ अपने किसी काम से, क्या काम है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, बट मैंने सोचा आज लोहड़ी है तो सबसे पहले आप सब लोग को लोहड़ी विश कर दूँ। तो उसके बाद अब मैं अपने काम से वापस जब आऊँगी उसके बाद मिलती हूँ। अभी मुझे बहुत लेट हो गया, जल्दी जल्दी जाना है। मेरा काम हो चुका है, फ्री हो गई हूँ मैं। और मार्केट में कितनी चहल पहल हो रही है, आज लोहड़ी है, लोग भर भर के खुल के मूँगफली, गुड़ की पट्टी और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। देखिए आप, इतने सुंदर सुंदर चल रही हूँ यार। दीदी देख, लोग लोहड़ी के सामान खरीद रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे खरीदेंगे। हम क्या देंगे, हमें भी एक दूसरे को लोहड़ी देनी चाहिए ना। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी हैप्पी। लोग लोहड़ी का सामान खरीद रहे हैं और मेरी दीदी को देखो, ज्वार का आटा और गेहूं का आटा खरीद रही है आज। ये नहीं कि मूँगफली फुलके कुछ खरीद उनको खिला दूँ, नहीं 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 नहीं, आटा खरीद रही है। हाँ पकड़ लिया, खरीदो तुम आटा खरीदो। वाह वाह वाह, आटा ले लिया और कुछ ले लो, ये ले लो, धान वान गेहूँ वह कुछ लेना है तो। जी मैं आ चुकी घर और आती कमर में घुस चुकी क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड क्या, हवा जो चल रही है ना वो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब कल मकर संक्रांति है तो कल के बाद तो कहते हैं कि दिन बड़े हो जाते हैं, तो मौसम में भी चेंजमेंट आता है, देखते हैं कितना चेंजमेंट आता है मौसम में। और अभी बन रही है चाय और मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी नमकीन के साथ। नमकीन लेके आई मस्त अपनी फेवरेट वाली, तो गर्म गर्म चाय पीऊँगी पहले। तो ये आ गई मेरी गर्म गर्म चाय और उसके साथ में बेसन की नमकीन जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। तो बाहर तो जा नहीं सकते लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमने सोचा कि घर में ही क्यों ना लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाए आग लगा के। नहीं नहीं, घर को आग नहीं लगाएंगे, घर में छोटी सी आग जलाएंगे, मतलब एक उसमें मिट्टी का बर्तन है उसमें आग जलाएंगे। और फुलड़ियाँ, मूँगफली, पॉपकॉर्न सब तो रेडी हो चुके हैं, बस अब ये मेरी बहन तैयारी कर रही है, दिखाती हूँ। तो ये तैयारी कर रही है मेरी बहन लकड़ी को स्टाइल से लगाने की। ये लग गई आग लकड़ियों में। ओ वाओ, सबकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी किसी को। अच्छा अच्छा फिर जानिया हम पहचान, हमें कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, में कोई नहीं दिख रहा। लोरी वाए बना लो छोड़ी, गाओ ना होड़ी झूठ छोड़ी वे तेरी बोली वे कुर्बान जा।
नाश्ते हो गए, आग जला ली, इसमें भी डाल दिया सब, हमें खा लिया अच्छे से, खा लो सब कुछ, मैंने इसके में डाल दिया, मज़ा आया। हैप्पी लोहड़ी। तो जो लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर ली, मस्ती भी कर ली थोड़ी सी, मूंगफली भी बहुत सारी खा ली, डिनर भी कर लिया। इंडियंस के फेस्टिवल्स ना इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं नहीं मनाते, बट हर फेस्टिवल में इतनी इन्जॉयमेंट होती है ना, उसको छोटा सा भी बना के मतलब इन्जॉयमेंट करके सेलिब्रेट करके एक अलग ही मज़ा है, उसमें एक अपनी ही खुशी है। चाहे ज़्यादा लोग इकट्ठे हों ना हों, जैसे कोविड टाइम है, बाहर नहीं जा सकते, सब लोग मिलके नीचे एक साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, बाहर किसी के घर नहीं जा सकते मनाने, मतलब बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हों जो अपने घर लोहड़ी का फंक्शन करते हैं, वहाँ हम जाते हैं मनाते हैं, नहीं जा सकते, बट अपने घर में भी छोटी छोटी चीज़ें करके खुशियाँ ला सकते हैं हम, इसमें एक अलग ही मज़ा है, साथ में अकेले कैसे भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो वैसे ही छोटी सी कोशिश हम लोगों ने भी की, अपना एंजॉयमेंट यहीं कर लिया घर में ही, और अच्छा रहा सब चीज़, मज़ा आया। अब कल है मकर संक्रांति, खिचड़ी बनेगी कल, तो कल तो पूजा भी करनी है, तो अब जा रही हूँ मैं सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और बहुत सारे काम हैं। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।